नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी सुरेश ढाका की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जज ने ढाका की अनुसंधान डायरी पेश करने के आदेश दिए। इस मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। पेपर लीक मामले में फरार चल रहे आरोपी सुरेश ढाका पर राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। ढाका ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पेश की, जिस पर 5 अप्रैल को जस्टिस मदन गोपाल व्यास के कोर्ट में सुनवाई थी। ढाका की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने पैरवी की। डबल एजी अनिल जोशी ने तर्क देते हुए कहा कि इस मामले में बाकी आरोपी जेल में हैं, उनकी जमानत याचिका मंजूर नहीं की गई है। ढाका का आरोप भी उन्हीं के समकक्ष है। इस पर जज ने ढाका की अनुसंधान डायरी कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। अलवर में बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सवारियों को ले जा रहे टेम्पो पर पलट गई। इस हादसे में पिता और 3 बच्चों की मौत हो गई। इधर जानकारी मिलते ही गांव वाले मौके पर पहुंच गए। गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर को आग लगा दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड पर भी पथराव किया गया। घटना कठुमर थाना क्षेत्र के खेड़ा मैदा गांव के पास भनोखा रोड की है। दरअसल हादसा अवैध बजरी ले जा रहे ट्रैक्टर की वजह से हुआ। टक्कर के बाद ट्रॉली टेम्पो पर पलट गई और 2 बेटे 1 बेटी के साथ पिता की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने शवों को उठाने से मना कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने बताया कि हादसे में 44 वर्षीय मुरारी लाल, उसकी 17 वर्षीय बेटी कृष्णा, 6 वर्षीय बेटा नितेश और 8 वर्षीय बेटे गौरव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मुरारी लाल की पत्नी लाड देवी गंभीर घायल हो गई। ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। कोटा जिले में 14 साल की नाबालिग से रेप करने के 2 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने 21 वर्षीय आरोपी राहुल निवासी झाबुआ एमपी को 20 साल के कठोर कारावास व 40,000 की अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर एमपी ले गया और उसे 3 दिन रखा और दुष्कर्म किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान नाबालिग ने आरोपी को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन डीएनए रिपोर्ट व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि कोर्ट में 14 गवाहों के बयान करवाए गए, 24 दस्तावेज पेश किए गए। प्रदेश में बढ़ रहे आर्थिक अपराधों की जांच और धोखाधड़ी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निदेशालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह निदेशालय राजस्व विभाग के अधीन काम करेगा। राज्य सरकार ने राजस्व, खुफिया और आर्थिक अपराध निदेशालय के लिए 107 नए पद स्वीकृत करेगी, जिसमें महानिदेशक आयुक्त का 1 पद होगा, एडिशनल डायरेक्टर के 4 पद होंगे, 10 पद संयुक्त निदेशक व 20 पद उप निदेशक की प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। इनके अलावा कार्यालय के लिए मुख्य लेखाधिकारी, उप विधि परामर्शी, कनिष्ठ लेखाकार, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, प्रोग्रामर का 1-1 पद, विधि सहायक, सहायक प्रोग्रामर के 2-2 पद, सूचना सहायक के 5, वरिष्ठ लिपिक, सहायक कर्मचारी के 12-12, कनिष्ठ लिपिक के 24, वाहन चालक के 10 पद सृजित होंगे। अजमेर विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष बनाने के नाम पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव के साथ 1,34,00,000 की ठगी की गई। पीड़ित ने 4 लोगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि आरोपियों ने कांग्रेस पार्टी में अच्छी पहचान का झांसा देकर पहले 2.5 करोड़ मांगे और बाद में यह राशि हड़प कर ली। पीड़ित भोपो का बड़ा सोफिया स्कूल के पीछे रहने वाला 36 वर्षीय विष्णु भाटी है। विष्णु भाटी ने रिपोर्ट में बताया कि उसके मित्र प्रदीप शर्मा ने बताया कि उसके रिश्तेदार धर्मेंद्र जोशी की कांग्रेस पार्टी में अच्छी पहचान है। अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के अध्यक्ष पद के लिए चयन करवाया जा सकता है। दिल्ली में धर्मेंद्र जोशी से मिले, उन्होंने झूठा दिलासा देते हुए ठगी करते हुए 1,34,02,400 रुपए हड़प लिए। पुलिस ने 50 वर्षीय प्रदीप शर्मा निवासी अजमेर, 52 वर्षीय धर्मेंद्र जोशी निवासी दिल्ली, 18 वर्षीय कर्णव जोशी निवासी दिल्ली और 63 वर्षीय नरेंद्र शर्मा निवासी यूपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
जैसलमेर जा रही इटली की महिला ने कोच अटेंडेंट पर अकेला देख अभद्रता करने का आरोप लगाया। जीआरपी ने उसे शांति भंग में गिरफ्तार किया, 6 माह के लिए पाबंद कर जमानत पर छोड़ा। रानीखेत एक्सप्रेस में इटली की महिला यात्री कोच A1 में जैसलमेर जा रही थी, कूपे में अकेली थी। अटेंडेंट नैनीताल के दौली रेंज निवासी 53 वर्षीय श्री बंगाली गुप्ता ने छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। बचने के लिए महिला यात्री टॉयलेट में घुसी और अंदर से बंद कर लिया। अपने दोस्तों को जानकारी दी, उन्होंने बात अधिकारियों तक पहुंचाई। इसके बाद आरपीएफ और जीआरपी ने फलौदी में अटेंडेंट को नीचे उतारा। महिला यात्री ने इसकी शिकायत देने से इनकार कर दिया। यात्री जैसलमेर पहुंची तो ट्वीट किया, मैं अकेले कोच में थी, एक आदमी ने छेड़छाड़ की, मैं टॉयलेट में छिप गई, उसने कई बार गेट खोलने की कोशिश की, दोस्तों ने बचाया, मैं जैसलमेर सुरक्षित पहुंच गई, रेल कर्मियों ने मेरी मदद की, सौभाग्य से जैसलमेर सुरक्षित पहुंच गई। टीम बनाओ, इनाम पाओ, दाम लगाओ, किस्मत बदलो, इस तरह के लुभावने विज्ञापनों के जरिए दाम लगाकर पैसे कमाने का सपना दिखाने वाले ऑनलाइन गेम बंद किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इस बारे में एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने कहा कि ऑनलाइन गेम की सेल्फ रेगुलेटरी संगठन की तरफ से जांच की जाएगी। नियमों पर खरा उतरने पर ही ऑनलाइन गेम को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चलाने की परमिशन दी जाएगी। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने कहा कि मीडिया प्लेटफॉर्म भी सट्टेबाजी के विज्ञापन चलाने से बचें। एडवाइजरी नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर जिले में सोशल मीडिया के जरिए एक युवक ने 2 बहनों के मूल फोटो से अश्लील फोटो बनाए और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिए। युवती की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने पहला मामला दर्ज कर आरोपी बासनी सेकंड फेस में रेलवे क्रॉसिंग के पास निवासी तरुण राठौर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से मोबाइल बरामद कर जांच की जा रही है। साइबर थाना प्रभारी व सहायक पुलिस आयुक्त मांगीलाल ने बताया कि युवती ने थाने में लिखित शिकायत दी थी, जिसमें युवती व उसकी बहन की फर्जी अश्लील फोटो इंस्टाग्राम की एक आईडी पर अपलोड करने का आरोप लगाया गया था। जांच शुरू करने पर आरोपी तरुण की हरकत का पता लगा था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जोधपुर जिले के बोरानाड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाले जवान को फोटो वायरल करने की धमकी देकर बदमाश ब्लैकमेल कर रुपयों की मांग कर रहे हैं। 7 महीने पहले जवान को रास्ता पूछने के बहाने बदमाशों ने जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर लिया था। इसके बाद उसके एटीएम से 40,000 रुपए निकाल लिए। इसी दौरान एक महिला के साथ बैठाकर फोटो भी ले लिए। अब जवान के पास फिर से फोन आया और धमकी दी, तो शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। जांच के दौरान बदमाश की लोकेशन सालमा कला गांव की आ रही है। फिलहाल पुलिस इसका पता लगाने का प्रयास कर रही है। राजस्थान में इस बार मार्च का महीना हैरान और परेशान करने वाला रहा। 31 दिन में से 21 दिन बरसात के रहे। आमतौर पर मार्च अंत तक तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार बारिश ने इतनी ठंडक बढ़ा दी कि लोगों को गर्म कपड़े वापस निकालने पड़े। कई इलाकों में दिन की शुरुआत कोहरे के साथ हुई। इन 21 दिनों में हर जिले में कम से कम 2 बार बारिश हुई। सामान्यतः मार्च में प्रदेश में औसतन 4.2 mm बारिश होती है, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 18.6 mm पहुंच गया, यानी 344% ज्यादा। बेहिसाब बारिश का ही नतीजा रहा कि मार्च फरवरी से ज्यादा ठंडा रहा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बरसात और ओलावृष्टि रहा है। मौसम में आए इस बदलाव ने खेत और सेहत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बारिश ओलावृष्टि से अलवर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और भरतपुर जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।